वो पुलिस वाला था, वो गाड़ी में बैठा था, तो हाँ ड्राइवर ने कुछ बदतमीजी से बात किया है, ये गाड़ी पे फूंक दिया पुलिस वाले, पुलिस वाले को तुम जाना, पुलिस फॉर एवरीवन ना। इन्होंने माफी मांगी, ड्राइवर ने माफी मांगी, शानू तो आपके सामने खड़े हैं, तब भी आपको बोला था ये तरीका नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आइडल के सेट पर आई पुलिस, आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल इंडियन आइडल 14 के ऑडिशंस चल रहे थे, इसी के दौरान शो के होस्ट हुसैन जो हैं वो शानू जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया है और ये हादसा पुलिस वाले की गाड़ी के साथ हुआ है, जिसको सुनकर कुमार शानू, श्रेया जी और विशाल जी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के बीच कुमार शानू के मैनेजर आते हैं और वो शानू जी से कहते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा, जिसको सुनकर शानू जी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मंच पर पुलिस आ जाती है और शानू जी को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, तो शानू जी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके ड्राइवर से गलती हो गई। इसके बाद पुलिस वाला स्टेज से चला जाता है, तो कुछ देर बाद हुसैन शानू जी को बताते हैं कि ये एक प्रैंक था, तो शानू जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल आपको बताएं कि ये पुलिस वाला इंडियन आइडल का एक कंटेस्टेंट होता है जो कि ऑडिशन देने आया होता है, जिसका नाम रजत राठौड़ है। वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। उसकी परफॉर्मेंस को सुनकर श्रेया जी कहती हैं कि आप मुझे पहले से ही कुछ देखे देखे से लग रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैंने आपको कहाँ देखा है। आपको बताएं कि कुछ समय पहले श्रेया जी ने रजत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। रजत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने पर भी कुमार शानू जी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंत में रजत को गोल्डन टिकट दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका इंडियन आइडल 14 में बेस्ट कंटेस्टेंट कौन सा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इंडियन आइडल 14 की हर लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।